खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे उन मुद्दों की जिन्हें गड़े मुर्दे कहा जा सकता है। वजह यह है कि जब भी बात की जाती है चुनावी मंच से, बात की जाती है विकास की, आने वाले कल की, भविष्य की, लेकिन अब बात की जाने लगी है बरसों पुरानी, सौ सौ साल पुरानी उन बातों को वापस उन जमीनों से बाहर निकाला जाता है जहां पर वो काफी पहले दफन हो चुकी थी। उन मुद्दों को क्यों निकाला जा रहा है और क्या ये मुद्दे निकालना अभी लाजमी है? जो गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं उनको ये लाजमी लगता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इस तरह के मामले उठाए हैं, जिन मामलों से वो तुष्टीकरण की राजनीति के एक तरह चेहरे के रूप में उभर कर आते हैं, इसमें पलटवार में, उनके ऊपर भी आरोप लगते हैं। ये सारा मसला खड़ा हुआ पुष्कर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के न्याय पत्र को तुष्टीकरण का घोषणा पत्र बताते हुए ये कहा कि मुस्लिम लीग के घोषणा पत्र से मिलता जुलता ये घोषणा पत्र है। इधर कांग्रेस पर जब ये आरोप लगे तो कांग्रेस ने कहा कि ये वो राजनीतिक दल बोल रहा है जिसके पूर्वजों ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कई राज्यों में गठबंधन की सरकार बनाई थी 1940 में। फिलहाल कौन से वो मुद्दे हैं जिनको लेकर बीजेपी को आपत्ति नजर आती है और कांग्रेस का घोषणा पत्र मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र नजर आता है, और कांग्रेस अपने पलटवार में किन मुद्दों को लेकर बात कर रही है, कौन सा वो वक्त था और कौन सा वो दौर था जब मुस्लिम लीग के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई थी। खैर, मामला पुराना है, करीब 80 साल पुराना है, लेकिन वापस क्यों इस पर बहस हो रही है, इसी को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस नेता के तौर पर भरत मेघवाल जी जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर चेतन राज पुरोहित जी कुछ देर में इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दाधीच जी हमारे साथ इस चर्चा में कुछ देर में जुड़ेंगे। भरत जी, आप हमारे साथ सबसे पहले जुड़े हुए, हालांकि बीजेपी से सबसे पहला सवाल बनता है, लेकिन जब तक वो ना जुड़े, कांग्रेस पर ये आरोप लगा है कि मुस्लिम लीग का जो घोषणा पत्र है उसको कॉपी करने की कोशिश की गई है, और इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी पर एक तरह से ये कहा गया कि आरएसएस जो उनके पूर्वज हैं उन्होंने उस दौर में उसका साथ दिया, और वो हम पर ही आरोप लगा रहे हैं कि हमने मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हमारे घोषणा पत्र से मैच किया है। क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पर अगर ये इस वक्त आरोप लगता है तुष्टीकरण का तो नुकसान काफी हो सकता है चुनाव में। प्रभात जी, देखिए, सबसे पहले तो सोचने की ये बात है कि चुनाव आयोग ने अभी तक कोई संज्ञान क्यों नहीं लिया। देश के प्रधानमंत्री पुष्कर में इतनी बड़ी सभा के अंदर किसी जाति विशेष या धर्म विशेष के आधार पर एक पार्टी को इंगित करते हैं और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, पहली बात। दूसरी बात देखिए कि प्रधानमंत्री जी की ये बौखलाहट है, क्योंकि आज जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो न्याय की बात करता है, और वो न्याय की बात करता है किसानों के लिए, श्रमिकों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई मैनिफेस्टो भी जारी नहीं किया, और जबकि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो हर एक उस चीज को बताता है जो पिछले 10 साल से राजस्थान की, भारत की और हर एक प्रदेश की जनता जिन उम्मीदों को लेकर बैठी हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी को जहां बात करनी चाहिए थी उनके 10 साल के कार्यकाल के बारे में वो बात नहीं करते। हमने कहा कि हम संविधान की जो अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है 15, 16, 25, 26, 29, 30, जो संविधान का अनुच्छेद हर एक धर्म को, हर एक वर्ग को, एक जाति विशेष को, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, उनको संपूर्ण प्रभुत्व वाले इस राज्य के अंदर जीने का अधिकार प्रदान करता है। आज देखिए प्रभात जी, इस देश के अंदर किस तरीके से, चाहे वो किसी भी जाति धर्म विशेष का हो, उसके बीच में इस तरह का एक मन मुटाव, एक खाई उत्पन्न कर दी गई है जिससे इस देश की जो बात कही जाती थी कि विविधता में भी अखंडता है हमारे में, उस चीज को आज अलग किया जा रहा है। और पवन खेड़ा जी ने आज इस बात का बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो प्रधानमंत्री संविधान की शपथ लेकर संविधान को नहीं मानते हैं वो इस बात की बात करते हैं। शायद मुस्लिम लीग का इन्होंने ज्यादा जो डेटा है वो पढ़ा होगा, तभी प्रधानमंत्री जी को मुस्लिम लीग की बात आती है। और आपने सही कहा कि जब मुखर्जी के साथ इन्होंने 1940 के अंदर या उसके बाद भी इन्होंने जब बंगाल के अंदर गठबंधन किया था तब कहां गए थे ये सिर्फ और सिर्फ जनता को तुष्टीकरण, धर्म जाति के आधार पर अलग करने वाले प्रधानमंत्री है। आज प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे कि रोजगार के ऊपर क्या बात हुई, प्रधानमंत्री जी नहीं कहेंगे कि किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, इस देश के भविष्य के लिए उन्होंने क्या किया, या आने वाले 5 साल में उनका क्या विजन होगा। वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, लोगों के मन में कोई बातें डालना चाहते हैं जिसके आधार पर, धर्म के आधार पर, वो लोगों के वोटों को कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी की तरफ डाइवर्ट कर सके। लेकिन प्रभात जी, अब ऐसा नहीं होगा। हमने राजस्थान में भी देखा है कि किस तरीके से जब पुष्कर के बाद में इनकी राजनाथ सिंह जी की सभा हुई तो वहां पर लोग कितने कम हो गए थे। आज राहुल गांधी जी न्याय की बात करते हैं, हम भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, हमने बात करी किसानों के हक के लिए,
तो तीन काले कानून ये लेकर आए उसका विरोध हमने करा, अग्निवीर जो ये युवाओं के लिए क्या है उसका विरोध हमने किया। तो आज प्रधानमंत्री उन सब बातों का जवाब देने की जगह कांग्रेस के ऊपर बोलते हैं, चाहे चूरू हो, चाहे पुष्कर हो, चाहे यूपी हो या कोटकुतली हो, हर जगह उनके नाम पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रहती है, बिहार में जाकर भी कांग्रेस की बात करते हैं। तो प्रभात जी, मुझे ये लगता है कि जो मैनिफेस्टो है वो इतना सुदृढ़ मैनिफेस्टो है, वो विजन है इस देश का और हर एक लोगों की उम्मीद है, जिसकी बौखलाहट माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे से और इनके नेताओं से झलक रही है। नहीं, लेकिन उचित जो तीन पॉइंट निकाले उसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये कहा जा रहा है कि हम बहुसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है। एक्चुअली देखिए, ये तुष्टीकरण की राजनीति उनके नजरिए से ऐसा लगता है कि जो पहला जो पॉइंट है यही अपने आप में तुष्टीकरण दिखाता है कि आप उन अल्पसंख्यकों को साधने के लिए उस बहुसंख्यक को नजरअंदाज करें कि उनके लिए कोई जगह नहीं है। जी देखिए, राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है, वो हर एक जाति विशेष के लिए। अगर आज हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर 100% जातियां हैं, उनमें से मात्र 9% ऐसी जातियां हैं जो कि आरक्षण का सही तरीके से लाभ ले पाती है, बाकी जातियां आज भी नहीं ले पाती। अगर हम जनरल की बात करें तो उसमें भी जो वीकर सेक्शन है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, उनको भी प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। तो हम तो सबकी बात कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी अगर इसकी बात करते तो इन्होंने कहा था तो सिर्फ चार जातियां हैं, चार जाति में इन्होंने कहा महिला है, युवा है, किसान है, तो फिर अलग से जाति कहां से आ गई? क्यों नहीं जवाब देते प्रधानमंत्री इस चीज का? क्यों जाति वर्ण के आधार पर वो जाकर चुनावों में वोट मांगते हैं? प्रभात जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई विजन नहीं है जिसके आधार पर ये जनता के बीच में जाकर जनता से बात कर सके। और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिन्होंने सबको साथ लेकर चले, ये 400 पार का नारा देते हैं, 400 पार में एक मुस्लिम व्यक्ति नहीं है। राजस्थान के अंदर जब इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, एक सिंगल मुस्लिम को इन्होंने टिकट नहीं दी। हम किसी बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक के लिए अलग से बात नहीं करते, लेकिन हम बात करते हैं जब सबका साथ सबका विकास की बात अगर भारतीय जनता पार्टी नारा देती है तो उस सबके साथ सबके विकास में इन लोगों को क्यों अलग कर दिया जाता है? हमने देखा है संसद के अंदर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने एक जाति विशेष को बड़े गंदे शब्दों में वहां पर जिक्र किया, गोली मारे सालों को इस तरीके से इंगित करते हैं। इनके जो प्रवक्ता है वो प्रवक्ता ट्विटर पर इस तरह की चीजें चलाते हैं जिससे देश के अंदर धर्म निरपेक्षता चीज को खत्म करके चीजें की जाए। तो क्या इस देश में सभी लोगों को जीने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के अंदर अगर कोई माइनॉरिटी है उसको संरक्षण करने का अधिकार नहीं है? ये सब चीजें मुझे लगता है। देखिए, दूसरा सवाल जो उन्होंने उठाया पॉइंट ये है कि जो स्कॉलरशिप है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिम जो छात्र हैं उनके लिए स्कॉलरशिप की अलग से व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी का ये आरोप है कि सिर्फ मुस्लिम छात्रों के लिए ही क्यों, शिक्षा की जरूरत हर किसी को है। तो इसमें भी तुष्टीकरण किया गया है और इसी वजह से वो इसको कहते हैं कि मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। अगर घोषणा करनी थी तो स्कॉलरशिप कमजोर तबके के लिए, हर छात्र के लिए की जानी चाहिए थी। इस वजह से उनको लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है। राजीव, मुझे लगता है कि कांग्रेस ने क्या घोषणा की उससे ज्यादा बेहतर होता प्रधानमंत्री जी ये बताते कि उन्होंने कितनों के लिए स्कॉलरशिप की योजना लेकर आए। आज भी एससी एसटी के जो स्कॉलरशिप है वो रुकी हुई है केंद्र सरकार से। आज भी जो बच्चे हैं वो स्कॉलरशिप के लिए समाज कल्याण विभाग में भागते हैं। समाज कल्याण विभाग के बोर्ड को इन्होंने बंद कर दिया, उसका जो फंड था उस फंड को रोक दिया। जितनी भी स्कॉलरशिप योजनाएं थी उनका इन्होंने बजट को कम कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी कांग्रेस से पूछ रहे जो कि पिछले 10 साल से विपक्ष में, ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि आज इस देश के अंदर वो जितनी भी स्कॉलरशिप के लिए बात कर रहे हैं उन्होंने कितनों को स्कॉलरशिप दी, कितनों को उन्होंने बाहर स्टडी के लिए भेजा, कितनों की उन्होंने जो एजुकेशन था उसको अपलिफ्ट किया, ये उसकी बात नहीं करेंगे प्रभात जी, क्योंकि आज इनके पास कहने के लिए जवाब नहीं है। कांग्रेस सदैव सबको साथ लेकर चलती है। हमने महिलाओं के गिग वर्कर्स की बात करी, हमने अलग से पेंशन कानून बनाने की बात करी। राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार थी तब हमने अलग से युवाओं के लिए फंड बनाया, हमने उसमें किसी जाति धर्म विशेष के आधार पर बात नहीं करी। आज भी अगर अलीगढ़ के अंदर देखा जाएगा तो यूनिवर्सिटी में जो इमरान प्रतापगढ़ी ने राज्यसभा सांसद जो है उन्होंने कई बार वहां पे बताया कि किस तरीके स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है, किस तरीके से माइनॉरिटी के जो फंड है उसको रोक दिया गया है, ताकि ये इंगित करना चाहते हैं कि हम एक जाति विशेष, धर्म विशेष या वर्ग विशेष के लोगों को ही सुविधा देने जाते हैं, जो भारत का संविधान कभी नहीं कहता। भारत की प्रस्तावना कहती है कि हम सेक्युलर देश है और ये सेक्युलर जो देश है वो पूरे विश्व के अंदर हमको आगे बढ़ाकर रखता है। जी, तीसरा पॉइंट, चूंकि अभी बीजेपी वाले शायद किसी तकनीकी खामी की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं, इसीलिए तीसरा क्वेश्चन मैं एक बार आपसे करता हूं, तब तक कोशिश करेंगे कि पैनल हमारा जो पीसीआर है वो उनको जोड़ने की कोशिश करे।
मुस्लिम पर्सनल लॉ, मतलब हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेकर सीधी बात नहीं कही गई, ये कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ जो होते हैं उनको संरक्षित किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी उनको लगता है कि अगर मान लीजिए मुस्लिम पर्सनल लॉ से जोड़कर वो देखते हैं तो उनका ये तर्क है इस पे कि भी महिलाओं का जो तीन तलाक का जो उनको एक तरह से उससे जो रियायत मिली थी केंद्र सरकार भाजपा सरकार की वजह से, वो रियायत खत्म करने की कोशिश की जा रही है अगर पर्सनल लॉ बोर्ड को एक तरह वापस लाने को या फिर उनको ताकत देने की बात कांग्रेस करती है। तो देखिए प्रभात जी, 1952 में जब हिंदू कोड बिल बना था तो उस हिंदू कोड बिल को विरोध करने वाले भारतीय जनता पार्टी के ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे सबसे पहले जिन्होंने मुखर रूप से ही बात कही थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम यूसीसी लागू करेंगे। इस देश के अंदर हर जगह हर क्षेत्र के अंदर विविधता है। अगर हम केरल के अंदर चले जाते हैं तो केरल के अंदर जो भाई बहन का रिश्ता है, मामा है या वो है, उसके रिलेशन में एक हिंदू धर्म में भी शादी की जा सकती है। अगर हम आदिवासी के अंदर जाते हैं तो आदिवासी के अंदर एक से अधिक महिला रखने का कई जगह पर रिवाज भी है, क्योंकि उनके जो जंगल की जो बात करते हैं, जो क्षेत्र की बात करते हैं, वो सीमित है और उनको ये लगता है कि अगर ज्यादा हम इसके अंदर लोगों को लेकर आएंगे तो हमारी जो जमीनें हैं वो जमीनें संरक्षित नहीं रह पाएगी। पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जो ये कहता है उसके अंदर चाहे आप ईसाई हो चाहे जो अलग कम्युनिटी के हो, उन लोगों का एक अपना अलग धर्म है। तीन तलाक की बात करते हैं, हम आज भी ये कहते हैं क्या तीन तलाक रुक गया है? आज भी तीन तलाक नहीं रुका है। कानूनन संरक्षण आपने क्या दिया? आज अगर कानून के अंदर जाते हैं तो क्या उनको ये संरक्षण मिल पाता है? नहीं, नहीं मिल पाता। आपने कानून तो बना दिया लेकिन शायद हमारा तकनीकी खामी की वजह से उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिन तीन पॉइंट्स को लेकर बीजेपी इतना मुखर हो रही है उन तीन पॉइंट को लेकर हम कांग्रेस के प्रतिनिधि से बात कर रहे थे। जो तीन पॉइंट है उनमें सबसे पहला पॉइंट तो यह है जिसको लेकर बीजेपी ने से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो मैनिफेस्टो है उससे मैच किया है। सबसे पहला तो उनका यह कहना है कि बहुसंख्यकों को यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है और अल्पसंख्यकों को लेकर ज्यादा इसमें वजन की बात की गई, यानी कि तुष्टीकरण का पहला आरोप तो ये लगाया गया है। दूसरा कहा गया है कि जो मुस्लिम छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप को लेकर हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी। जी भरत जी, आप वापस जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी भरत जी, कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज कट गई थी। जी देखिए प्रभात जी, मैं यही कह रहा था कि जो यूसीसी लेकर आ रहे थे उसमें इन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सल कोड होगा, एक बिल्कुल देश के अंदर एक ही तरह से सारी चीजें की जाएगी, लेकिन वो भारत देश में कभी भी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू, मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि हिंदू धर्म में भी इस तरह की मान्यताएं हैं अलग अलग जगह पर जो चीजें नहीं हो सकती। आप उत्तराखंड में लेकर आए, उत्तराखंड में आप कहते हैं कि लिव इन को हम मान्यता नहीं देंगे, उसके पहले कई तरह से चीजें होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट तो LGBT तक को मान्यता प्रदान कर देता है, तो वो सब कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है। तो ये बात कहना कि पर्सनल लॉ को हम, मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम आगे कर रहे हैं, प्रभात जी सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। हम साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो अपने जो काम है उनका बाता है तो सही, कितने रोजगार दिए, कितना चिकित्सा में काम किया, कितना शिक्षा के अंदर काम किया, एक ऐसा कानून जो आम नागरिक को सहायता दे सके वो ये बता दे। कांग्रेस की जब यूपीए की सरकार थी हमने राइट टू इंफॉर्मेशन दिया जिसके आधार पर आज लोग इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं, हमने राइट टू फूड दिया जिस 80 करोड़ लोगों को भोजन देने की ये बात करते हैं, वो देन भारतीय जनता पार्टी की नहीं कांग्रेस की थी, वरना आज ही 80 करोड़ लोगों को भोजन भी नहीं देते, इनकी मजबूरी है वो। हमने राइट टू एजुकेशन दिया, एक गरीब परिवार अपने बच्चों को जाकर शिक्षा प्रदान कर सकता है अंग्रेजी मीडियम में, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा कानून नहीं बता सकती कि वो इन 10 सालों में एक ऐसा कानून लाए। हाँ ये कानून जरूर लाए, ये लाए तीन काले कानून ताकि किसानों की जमीन हड़प ले, ये लाए अग्निवीर जैसा कानून जो अग्निवीर लोग जैसे लोगों को लाकर और जो बजट है उसका बजट कम करके लोगों को बाहर निकाल दे और उनको हटा दे। तो प्रभात जी, भारतीय जनता पार्टी सवालों के जवाब देने से भगती है। प्रधानमंत्री तो वो है जिन्होंने 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, वो आज नहीं बता सकते कि मैंने 10 साल में क्या काम किया क्या काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 से 4 ऐसे बड़े बड़े जजमेंट दे दिए जिस जजमेंट के आधार पर आज लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने चाहे इलेक्ट्रल बॉन्ड के मुद्दे हो उसके ऊपर वो भी नहीं बोल पाते, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों के ऊपर बात नहीं कर पाती, भ्रष्टाचार अपराधियों के ऊपर बात नहीं कर पाती। राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर जहां पर ये महिला अत्याचार और अपराधों की बात करते थे, कल सांगानेर में मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के अंदर 20 से 30 गुंडों ने जो जमीन हड़पने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी चीज के ऊपर तो जवाब दे। कांग्रेस तो पिछले 10 साल से विपक्ष में है, आप कांग्रेस से क्या सवाल करते हैं? आप सवाल करिए
कि हमें बताइए कि आप क्या करेंगे, आपका क्या विजन है। राजस्थान में 25 सांसद दो बार राजस्थान की जनता ने आपको देकर भेजा, क्यों आपके 25 सांसदों को रिपीट नहीं कर पाए? विधानसभा में वो 25 सांसद हार कर बैठ जाते हैं। तो प्रभात जी, ये सब सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने चाहिए, जो वो दे नहीं रही है। बौखलाहट है, प्रधानमंत्री जी चूरू जाते हैं क्योंकि वहां पता है राहुल कस्वा जी जीतने वाले, कोटपूतली आते हैं क्योंकि वहां पता है अनिल चोपड़ा जी का ज्यादा प्रभाव है, राव राजेंद्र सिंह जी का नहीं है, और इसके अलावा यहाँ झुंझुनू के अंदर राजनाथ सिंह जी जाते हैं जहां पता है कि किस तरीके से ब्रजेंद्र ओला जी जीत रहे हैं। बाड़मेर जैसलमेर के अंदर पूरी की पूरी मशीनरी लगा दी है, पूरे के पूरे बड़े बड़े नेताओं को लगा दिया है। ये 400 पार की बात करते हैं, इनके 200 भी आ जाए जो गनी बनते। प्रभात जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि असल में जो गेंद कांग्रेस की तरफ उछाली जा रही है तुष्टीकरण की, वो असल में बीजेपी के पाले में है, और ये सारे मुद्दे इस वजह से छेड़े जा रहे हैं ताकि जिन मुद्दों को लेकर सवाल किए जाने चाहिए सरकार से, वो सवालों को दबा दिया जाए। निश्चित तौर पर प्रभात जी, देखिए ये प्रधानमंत्री जी है जिन्होंने 2014 में बात की कि 15 लाख सबके खाते में आएंगे, सब लोगों का जो पेट्रोल डीजल है उसका पैसा कम हो जाएगा, इस देश के अंदर सबको हवाई चप्पल छोड़कर हेलीकॉप्टर एरोप्लेन के अंदर भेजेंगे। 2019 के अंदर वो सारे मुद्दे गौण हो जाते हैं, 2023 के अंदर तो इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज पूछना चाहिए प्रधानमंत्री जी से, क्या हुआ 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का, क्या हुआ आज रुपया है जो 82 रुपए से भी ऊपर चला गया है, क्या हुआ आपके काले धन का? इलेक्ट्रोल बॉन्ड में तो आपने उन कंपनियों से ले लिया जिसका मुनाफा ही 450 करोड़ है, उन्होंने 1350 करोड़ से ज्यादा का तो आपको चंदा दे दिया, क्या आप उन पर जांच करेंगे? आज पूरी सरकारी संस्थाओं को आपने एक तरफ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी में आने वाले भ्रष्टाचारियों के ऊपर से केस बंद हो जाते हैं और जो विपक्ष है उसके ऊपर केस चला देते हैं। पीएमएलए एक्ट के अंदर आपने 2018 में एक ऐसा जो अमेंडमेंट लाकर रख दिया जिसके अंदर जब तक ईडी नहीं चाहेगी जब तक आप गिरफ्तार बैठे रहेंगे, विपक्ष के लोग एक स्टैंडिंग मुख्यमंत्री को सिर्फ एक बयान के आधार पर आप गिरफ्तार कर लेते हैं, और वही व्यक्ति है जिसको सांसद की टिकट मिल जाती है जो गवाह बनकर जाता है, उसने 60 करोड़ के आसपास का आपको चंदा दे दिया, उस पर कोई सवाल नहीं होता। जो आपकी कोरोना के अंदर कंपनीज थी वो कंपनी चंदा देकर आपके जो टेस्ट में फेल हो गई दवाइयां उनको आप जो ऑर्डर दे देते हैं, 52 करोड़ रुपए आप सीरम इंस्टीट्यूट से लेकर उनको कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए दे देते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि कितने युवा हैं, कितने लोग हैं जो हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा रहे हैं, उस पर कभी सवाल नहीं होता। क्या हुआ जीडीपी की बात करते हैं आप, प्रति व्यक्ति आय में आप देखिए आज प्रति व्यक्ति आय हमारी कितनी कम हो गई है, देश का 1% जो लोग है वो देश के 40% हिस्से के ऊपर अपना अधिकार रखता है, लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। बाहर के विदेश में बात ये कहते विदेश में डंका बज रहा है, विदेशों कहता है कि हम विश्व आशा करते हैं कि देश के अंदर चुनाव निष्पक्षता पूर्ण होंगे, ये विदेश में बातें कह रहे हैं। ईएसआई की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तब नेशनल हेराल्ड की रिपोर्टर कहती है कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती, अमित शाह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। ये सब चीजें ऐसी हैं जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, प्रधानमंत्री जी धर्म के नाम पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी राम के नाम पर बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी जाति के नाम पर बोलते हैं, और चुनाव आयोग आंख मूंद करके बैठा रहता है और उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करता। ये देश किस तरफ जा रहा है? क्या सच में इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है? क्या सच में इस देश के अंदर बोलने की आजादी है? 2023 जो बिल लेकर आए ये कम्युनिकेशन वाला, उस बिल के अंदर इन्होंने कह दिया कि अगर यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी आप कुछ आपत्तिजनक चीजें डालेंगे जो कि सरकार डिसाइड करेगी तो आपके यूट्यूब को बंद कर दिया जाएगा, आपके सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाएगा। मीडिया जो आजादी थी उस मीडिया की आजादी को खत्म करने का काम किया जा रहा है, स्वतंत्रता को खत्म करने का काम किया जा रहा है। तो प्रभात जी, ये सब जो मुद्दे हैं इन मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी बोल नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री जी बता नहीं पा रहे 10 साल के कार्यकाल के बारे में। और ये चुनाव सिर्फ प्रधानमंत्री जी का ही है क्या? क्या सांसद का नहीं है? क्या सांसद लोगों को आना नहीं चाहिए? क्या उनको नहीं बोलना चाहिए? हर जगह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी का ही चेहरा है, फिर 10 साल में बाकी की कार्यकारिणी ने बाकी की मंडली ने किया क्या? ये सब चीजें प्रभात जी सोचने की बात है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं पा रही है। राजस्थान के अंदर भी आप देखिए किस तरीके से गुटबाजी हावी है, वसुंधरा राजे जी कहीं दिखाई नहीं देती, सतीश पूनिया जी जिन्होंने राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जाटों के बहुत अच्छे नेता है, उन्होंने यहाँ पे मेहनत करी योगदान दिया, उनको उठाकर हरियाणा के अंदर ले आया जाता है, उनको प्रभारी लगा दिया जाता है, प्रदेश अध्यक्ष नदारद है, मुख्यमंत्री जी को पता नहीं होता उनको बोलना क्या होता है और बोल क्या जाते हैं, लगातार प्रधानमंत्री को कई बार मुख्यमंत्री बना देते हैं, जेपी नड्डा जी की जगह अमित शाह जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं, और आज 1951 में आजादी दिला रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत सी ऐसी चीजें जिनके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी उनका डाइवर्ट कर देते हैं उन मुद्दों को ताकि उन पर बात ना हो। भरत जी, काउंटर करना अपने आप में, देखिए मैं ये देख रहा हूं कि जब भी
कोई प्रेस ब्रीफिंग होती है तो वहां पर इन मुद्दों को अच्छी तरीके से काउंटर किया जाता है। अभी जब मैं आपसे इस बात को लेकर चर्चा कर रहा हूं तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने इन बातों को लेकर काउंटर कर रखे हैं, लेकिन जहां से काउंटर किया जाना चाहिए वो है वो सियासी मंच जो जनसभा में लगाया गया है, जो सजाया गया है, वहां पर अभी भी इतनी मुखरता से जितनी मुखरता से प्रवक्ता कांग्रेस के किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या डिबेट में अपनी बात रखते हैं वो मुखरता उन मंचों पर नजर नहीं आती। आपको नहीं लगता कि पहली पंक्ति के जो वो चेहरे जो उस पोडियम को संभालते हैं जो जनसभा में लगा होता है वहां पर भी यही मुखरता है ताकि उसको उसी बैलेंस से उसी ताकत के साथ काउंटर किया जा सके, वो अभी थोड़ी कमी है कांग्रेस में? देखिए, देखने का नजरिया अलग हो सकता है। अगर विद्याधर नगर की बात की जाए तो अभी देखिए जब यहाँ पर सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए तब किस तरीके से उन्होंने बात को रखा, हमारे गारंटी पत्र को रखा, उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम देश के बारे में सोचते हैं। माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा जी है उन्होंने वो बात रखी। देखिए कांग्रेस ने कोई बात कही, कांग्रेस ने जैसे ही अपना घोषणा पत्र जारी किया उसको काउंटर करने के लिए सेम डे सियासी मंच पर जो भाषण थे वो नेताओं के बीजेपी के या फिर जो भी विपक्षी दल है उनके बदल जाते हैं। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि तुरंत इस पर एक्शन होना, ये अगर मान लीजिए बीजेपी की तरफ से कोई बात कही जाती है या फिर जिसको आप पिक करते हैं अपने मुद्दे के तौर पर वो अगले सियासी मंच पर नजर नहीं आती और वही एक जो रूटीन जो चीजें होती है वही उस मंच से कही जाती है, ये भी एक थोड़ी कमी नजर आती है। देखिए प्रभात जी, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस बहुत सही करती है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पिच पर नहीं खेलती है। भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा रहता है कि जब भी कांग्रेस कोई चीज करती है तो वो उसको नेगेटिव वे में लेकर जाती है। जैसे हमने अगर हमारी गारंटी की बात करी तो मोदी जी ने खुद की गारंटी शुरू कर दी कि ये तो मोदी की गारंटी, और वो चाहते हैं कि हम उस पर उस पिच पर खेले। लेकिन हमें ये लगता है कि हम हमारी बात को रखें, हम हमारे न्याय को रखें, हम हमारे काम को रखें, हम हमारी चीजों के लिए जनता के जाके कन्विंसिंग करें। हमारा काम मोदी जी ने क्या कहा, अमित शाह जी ने क्या कहा, उसको काउंटर करने पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमें यह होना चाहिए कि हम जनता से क्या बात करना चाहते हैं, हम जनता को क्या देना चाहते हैं, हम जनता से क्या संवाद करना चाहते हैं, जो कि कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश में शायद पहले ऐसे नेता होंगे जिन्होंने लगातार इतनी ज्यादा जिस तरीके से उन्होंने जनसंपर्क किया, जिस तरीके से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करी, उसके बाद नए यात्रा करी, एक ऐसे सांसद को जिसके पूछे पूरी की पूरी भारतीय टीम, ये भारतीय जनता पार्टी की टीम लग जाती है, इतना पैसा राहुल गांधी जी की छवि खराब करने से बेहतर था कि देश की जनता के लिए लगाते। लेकिन वो एक ऐसे नेता है जो विचलित नहीं होते, जो घबराते नहीं है, जिनकी सदस्यता सांसद की हटा दी जाती है, जिनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते हैं, जिनको प्रताड़ना के लिए पूरा प्रयास किया जाता है और उनकी छवि इतनी धूमिल करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो निरंतर लड़ रहे हैं, वो निरंतर किसानों के लिए, युवाओं के लिए, इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। तो देखिए जब वो लड़ते हैं तो हमें भी उम्मीद की किरण जलती है। और कांग्रेस पार्टी, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज जिस तरीके से हताश है, प्रभात जी आपको देखने को लगेगा प्रधानमंत्री जो माहौल 2014 का था आज वो देश में माहौल नहीं है। लोग जान चुके हैं कि देश में 2014 में जो झूठे झूठे वादे किए गए थे प्रधानमंत्री जी द्वारा वो वादे पूरे ही नहीं होते, वो लोगों को एक नए नए कामों में लगा देते हैं, उसके बाद कुछ और छेड़ देते माना, फिर किसी और के बात में, कभी गंगा माँ के नाम पर कहते थे कि हमको उनको साफ कराना है, रोते थे, आंखों से आंसू निकलते थे। अब क्या हुआ, पुलवामा के ऊपर बात करी, ये वही पुलवामा अटैक था जिनमें पूर्व सत्यपाल मलिक जी ने कहा, जो धारा 370 हटाने में सबसे बड़ा योगदान जिनका रहा, अगर वो दो दिन पहले 6 महीने उन्हें पूर्व से प्रेसिडेंट को लेटर नहीं लिखते तो वहां पे जो था राष्ट्रपति शासन नहीं लगता, और राष्ट्रपति शासन नहीं लगता तो वहां पे 370 नहीं हटती, और उन्होंने ये बात कही कि पुलवामा में इनका हाथ है। तो आपको बताइए प्रभात जी, जब ऐसी ऐसी बात हो रही है उसमें कोई बात ही नहीं होती। जी चलिए, हमारे साथ उमेंद्र दादी जी जुड़ गए हैं, समय को बीजेपी के हम जो प्रवक्ता उनको जोड़ना चाह रहे थे लेकिन काफी तकनीकी खामी की वजह से उनका वर्जन इसमें होना जरूरी था ताकि वो अपनी बात को रख सकते और ये बैलेंस से हमारी तरफ से एक डिबेट जाती, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेंद्र दादी जी भी जुड़ चुके हैं। उमेंद्र जी, बीजेपी ने अपने मंच से मुस्लिम लीग से घोषणा पत्र से या मुस्लिम लीग की जो भी आइडियोलॉजी है उससे तुलना कर दी कांग्रेस के घोषणा पत्र की, क्या जरूरत आन पड़ी कि वापस से इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है जो 80 साल पुराने हैं? देखिए प्रभाष जी, यह मैं कहना चाहूंगा कि अभी घोषणा पत्र जो भी आया है किसी की भी पार्टी, चाहे कांग्रेस का आया हो चाहे बीजेपी की, अभी आने की बात हो रही है उसमें, कुल मिला के अभी ऐसी कोई ऐसी नई चीज नहीं है जिसको ये माना जाए कि वही पुरानी बोतल, वही पुराना लेवल, वही वाली बात है। तो फिर बीजेपी के मंच से पुष्कर से ये बात क्यों कही जाती है मोदी जी से कि इसमें मानसिकता झलकती है मुस्लिम लीग की? देखिए ऐसा है,
कि मानसिक में मुस्लिम लीग की तो बात मैं कहूँ कि पहले वाली जो मुस्लिम लीग थी वो तो हो गई खत्म। मुस्लिम लीग एक केरल में पंजीकृत पार्टी है, तो इसलिए मुस्लिम लीग की बात करना तो बेमानी बात है। ये मुस्लिम लीग का कोई अस्तित्व नहीं है, ये मरे हुए सांप को जिंदा करने वाली बातें हो रही है। कुछ बात यह है कि देखिए इस समय जो देश में वातावरण चल रहा है राष्ट्रवाद का, तो राष्ट्रवाद के वातावरण के खिलाफ जो भी कुछ बोलेगा तो ऐसा लगेगा कि शायद ये अनुकूल स्थिति नहीं है। आज इस समय देश का जो चुनाव हो रहा है राष्ट्रवाद प्रखर और प्रखर राष्ट्रवाद के बीच में हो रहा है। यानी कुल मिलाकर मैं आपको प्रभाष जी बताना चाहूंगा इस समय आपके चैनल के माध्यम से, इस समय देश में जो है ये जो चुनाव हो रहा है 400 प्लस और 400 माइनस का चुनाव है। यानी न कोई आइडियोलॉजी है, न कोई घोषणा पत्र की बात है, केवल देश की जनता ये कह रही है कि भाई जो चुनाव हो रहा है इसमें 400 प्लस की बात हो रही है। अब हमने चाहे कुछ भी कहें, मुस्लिम लीग की बात करें चाहे कुछ, मुस्लिम लीग का अस्तित्व ही नहीं है, जिसका पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, न केवल एक छोटी सी पंजीकृत पार्टी है, उसकी बातें करने का कोई औचित्य नहीं है। हाँ ये कह सकते हैं कि तुष्टिकरण की बात हो सकती है, मुस्लिम लीग की नहीं तुष्टिकरण की बात हो सकती है। तुष्टिकरण की बात कहेंगे तो हमें समझ में आएगी, क्योंकि बात ये देखिए कांग्रेस ने हमेशा तुष्टिकरण की बात की है। कांग्रेस ने हमेशा क्या किया, जब आप कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ थे, अब आज ये सनातन की वजह से पार्टी छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते जो सनातन को गालियां निकालती हो, हम ऐसी पार्टी में नहीं रह सकते जो सनातन विरोधी हो। कुल मिला के बात हो गई कांग्रेस पे जो ठप्पा लग गया, ये सनातन विरोधी पार्टी का ठप्पा लग गया। अब हम इसको मुस्लिम लीग या उससे जोड़े चाहे किसी, आप ये कहना आप ये कहना चाह रहे हैं कि येन केन प्रकारेण, मुद्दा यह है कि कैसे भी जीत हासिल की जाए, जो भी फिगर अपने मन में राजनीतिक दल लेकर चल रहे हैं उस फिगर को क्रॉस करें, वो पाए, उसके लिए इन सभी शब्दावलियों को और पुराने जो सांप ने कही थी कि मरे हुए सांप को जिंदा करने की बात, फिर गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात कही जा रही है, ये इसका मतलब, इसका जो मकसद है सिर्फ एक ही है, कैसे भी जीत हासिल होनी चाहिए और मुद्दे कैसे भी उठाओ चाहे, उनका मकसद सिर्फ इतना ही कि उसमें उनको आखिरकार सत्ता पर उनको काबिज होना, यही उनका एक मकसद। माफी चाहूंगा चूंकि काफी आप लेट जुड़ पाए तकनीकी खामी की वजह से, और बीजेपी के हमारे साथी थे वो भी अगर इसमें जुड़ते, डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी को जुड़ना था लेकिन वो भी तकनीकी खामी से जुड़ नहीं पाए, वरना हम इसको और डिबेट को थोड़ा सा और सार्थक कर पाते। लेकिन फिर भी जो भी बात इस मंच के जरिए जन टीवी के जरिए रखी गई है और जो आपने इसको बैलेंस करने के लिए काफी अच्छी बात कही कि तुष्टिकरण को लेकर या फिर उन मुद्दों को लेकर बात की जा सकती है जो वास्तव में सियासत के मुद्दे हैं, लेकिन अगर इसमें उन चीजों का जिक्र किया जाता है जो अब अस्तित्व में ही नहीं है, तो मुझे लगता है कि सियासत ये सही दिशा में जाती हुई नजर नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस खास खबर में जुड़ने के लिए। नमस्कार।